नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और आइए आज जानते हैं झारखंड पंचायत सचिव का एस्टिमेटेड कट ऑफ के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम उन सभी व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे चैनल से जुड़े और हमारी वीडियोस को लाइक किया। उम्मीद है आप हमारे जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में आया होगा और फायदा मिला होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कितने वैकेंसीज थी। तो देखिए, एलडीसी की 1245, पंचायत सेक्रेटरी का 1539 और स्टेनोग्राफर का 24 पोस्ट था। टोटल 2808 पोस्ट था। आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बात आता है यहाँ पे, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जेएसएससी ने 1,02,721 पोस्ट आवेदन रद्द कर दिए हैं। इससे ज़्यादा ही आवेदन रद्द किए हैं दोस्तों। क्यों रद्द किए हैं? किसी ने फोटो अपलोड नहीं किया, किसी ने फी पे नहीं किया, तो किसी ने लैंग्वेज पेपर सही से चूज नहीं किया, तो इसके कारण इतने से आवेदन रद्द हो गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि कट ऑफ कम जाना चाहिए। लेकिन दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, कि 6 माह से भी ज़्यादा का बड़ा तैयारी का वक्त दिया गया है। जी हाँ, तो ये एक तो ये पॉजिटिव होता है कि कट ऑफ कम हो सकता है इसके कारण, लेकिन ये जो है ये वक्त ज़्यादा वक्त जो मिल गया इसमें आपका जो कट ऑफ जो ज़्यादा कम जा सकता था वो नहीं होगा। अब जानेंगे जी हाँ एग्ज़ाम फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए, इस बार ओवरऑल अटेंडेंस रहा जो वो 65-75% रहा। जी हाँ, कमेंडेबल है। गर्ल्स का अटेंडेंस जो था वो लगभग 50% था, कहीं कहीं 55% भी देखा गया, लेकिन ओवरऑल 50% था। अब पेपर का लेवल देखते हैं कैसा था। देखिए, लैंग्वेज पेपर, मैं यहाँ खास हिंदी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको मिनिमम जो अटेंड एक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा वो 70 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट होगा। लेकिन जीएस पेपर 3 में जो होता है वो गुड अटेम्प्ट आपका माना जाएगा 65 प्लस क्वेश्चन। तो अगर आपने हिंदी लैंग्वेज पेपर में 70 क्वेश्चन किए हैं मिनिमम, तो आप अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। और जीएस पेपर 3 में अगर 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप सही अटेम्प्ट किए हैं। चलिए, सेफ हैं आप। मतलब अब आगे बात करेंगे जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, बहुत सौ का डाउट रहता है। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 अलग अलग दिन और 3 अलग अलग पालियों में पेपर हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही समझ लीजिए। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है कि तुक्का नहीं मारना है। जो लोग तुक्का मारे होंगे उनका कट ऑफ हाई जाएगा। यहाँ पे होता है एक्यूरेसी, आपने कितने क्वेश्चन सही सही और एक्यूरेट मारे। क्वेश्चन आपने भले ही कम बनाया हो लेकिन उसको एक्यूरेट बनाया हो, 100% सही बनाया हो, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, शुरू हो गया। देखिए, अब देखते हैं एस्टिमेटेड जनरल का कट ऑफ क्या हो जाएगा। तो जनरल का कट ऑफ हमारे अनुसार, हमने कई जो परीक्षार्थी से उससे बात किया है, ऑफ द कैमरा बात किया है, और कुछ कोचिंग संचालकों से भी मैंने बात करने की कोशिश की है, तो उनसे जो मिला है इनपुट मैंने उनको ये बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, जनरल का कट ऑफ जो है वो मिनिमम 65% होगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा एस्टिमेशन है, हमारा एस्टिमेशन है कि मिनिमम 65% होगा। उस अनुसार से देखा जाए तो 143 क्वेश्चन मिनिमम उनसे करने चाहिए और 429 मार्क्स, ये बिना नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इतने मार्क्स उनको आना चाहिए। मैक्सिमम 70 मैंने एक्सपेक्ट किया है, लेकिन 70 से ऊपर भी जा सकता है। हाँ, अब गर्ल्स कैंडिडेट के लिए क्या है। गर्ल्स कैंडिडेट आप मतलब 5 से 7 क्वेश्चन कम भी करेंगे तो भी चलेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए 15 मार्क्स आप प्लेस कर दीजिए गर्ल्स के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये है ओबीसी का कट ऑफ। ओबीसी का कट ऑफ है 60 से 65%। जी हाँ, मिनिमम 60% आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। और 132 क्वेश्चन आपको करने चाहिए ओबीसी को। और ओबीसी का जो मिनिमम कट ऑफ मेरे अनुसार हमारे अनुसार जा सकता है वो 429 मार्क्स होना चाहिए। गर्ल्स जो है वो 29 मार्क्स लेस करेंगे इसमें ओबीसी में। चलिए आगे, अब देखते हैं एससी का कट ऑफ क्या आएगा। एससी का कट ऑफ जो है वो 55 से 60% होगा। ठीक है, तो मिनिमम जो है वो मैं 55 लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, हमने जो एस्टिमेशन किया है, और उसके अनुसार 120 क्वेश्चन हमें कम से कम करना होगा सेफ साइड रहने के लिए, और उस अनुसार 360 मार्क्स आने चाहिए। गर्ल्स कैंडिडेट 25 मार्क्स लेस करेंगे अपना, उनका कम भी आएगा तो भी चलेगा। अब बात करते हैं एसटी एस्टिमेशन का। देखिए, एसटी कैटेगरी के लिए 50 से 55% आना चाहिए, तो उसके अनुसार मिनिमम उनका 50 होना चाहिए, क्योंकि 50 से कट ऑफ 50% से कम कट ऑफ
किसी भी हालत में नहीं जाएगा, और 110 क्वेश्चन करने चाहिए, मार्क्स आने चाहिए 333 मिनिमम। गर्ल्स कितना कम कर सकती हैं, गर्ल्स आप 35 मार्क्स कम कर दीजिए। जी तो ये था हमारा एस्टिमेशन। अब अगर आप इससे सहमत हैं तो ठीक है, नहीं भी सहमत हैं तो भी आप कमेंट जरूर कीजिए, अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें बताइए। जी और आप इस वीडियो से या फिर आपके कट ऑफ से कुछ अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, हम उनका जवाब देने की कोशिश पूरी ओर से करेंगे। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट के बारे में। जी हाँ, तो लगभग 15 से 20 दिन में इनका ऑफिशियल आंसर किया जाएगा, फिर उस पर ऑब्जेक्शन होगा। तो जहाँ तक आप लोग को पता है JSSC का क्या हालत है, तो 6 महीने, जी हाँ, मिनिमम 6 महीने इसका आंसर आने में लगेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आने में 6 महीने लग जाएंगे। ये हमारा एस्टिमेशन है, आप अपना एस्टिमेशन बता सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम आगे ही इसी तरह और वीडियो लेते आते रहेंगे आपके लिए। हमसे जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।